हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और कद्दू की सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और हमने दो टमाटर लिया है, ये मेथी पत्ती है, और दो प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, और इधर इंडक्शन पे कढ़ाई रख दी है। ये सरसों का तेल है, इसी में बनाऊंगी। और एक चम्मच हमने जीरा डाला है, जीरा चटकने लगा है। और ये लाल मिर्च, कद्दू में लाल मिर्च भी पड़ता है और हरा मिर्च भी, दोनों प्रकार के हमने डाल दिए हैं। और ये लहसुन है, लहसुन भी डाल दिया है। इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। देखिए इनका कलर अब हल्का चेंज होने लगा है, ये भून चुके हैं। और इसमें अब हम डालेंगे मेथी। अगर आपके पास मेथी नहीं है तो मेथी के बीज भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दू मेथी के बिना नहीं बनता है। बना तो सकते हैं लेकिन मेथी ज़रूरी होती है। यहाँ पे हमने प्याज डाल दिया है, जो कट करके लच्छों में रखा था। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। कद्दू की सब्ज़ी इतना टेस्टी लगती है, लेकिन सबके हाथों की अलग अलग होती है। सब लोग अच्छे से नहीं बना पाते हैं। अगर अच्छे से बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। ये टमाटर भी मैंने डाल दिया है, इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। मैंने होता है सब्जी को आप जितना अच्छा भूनेंगे उतने खाने में टेस्टी लगेगी। अब स्वाद अनुसार नमक, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसी से टमाटर और प्याज सब गल भी जाएगा। और ऐसे स्पून से मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए अब काफ़ी हद तक ये पक चुके हैं, बस ऐसे स्पून से मिक्स कर देना है। और अब इसमें जो हमने कद्दू कट करके डाला था, कद्दू को डाल देते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसी में। और अब इसको एक प्लेट से ढक देंगे, कवर कर देंगे और पकने देते हैं। ये मैं प्लेट ले लूँगी, इसी से ढक देंगे। और यहाँ पे पकते 10 मिनट हो गया है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी हद तक ये पका दिख रहा है। इसको हमें ऐसे स्पून से मैश कर देना है ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। कद्दू अगर किचकिचा रहता है तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आप इसको पानी को बिल्कुल सुखा दीजिए, इसको एकदम फोड़ दीजिए, बहुत अच्छा खाने में लगता है। पूड़ी के साथ भी अच्छा लगता है, मैं तो चावल के साथ भी खाती हूँ, मुझे तो चावल के साथ बहुत पसंद है। ऐसे इसको फोड़ती जाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करें। देखिए एकदम इसको ऐसे फोड़ते जाइए। और कद्दू में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। देखिए इतना अब ये कम भी हो गया है। एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी हम ही डालेंगे इसमें, क्योंकि कद्दू खुद अपने आप में पीला होता है, ऐसे भी अच्छा लगेगा। और अब इसमें जाएगा अमचूर पाउडर खट्टा करने के लिए। कद्दू खट्टा मीठा होता है तभी खाने में अच्छा लगता है। और इसको हमें बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। फ्रेंड्स, जितना अच्छा आप भुनेंगे खाने में उतना ही ये सौंधा लगेगा। देखिए अब नीचे से कढ़ाई भी छोड़ रहा है, इतना हमने इसका पानी एकदम सुखा दिया है फोड़ के। और अब इसमें जाएगा गुड़ मीठा करने के लिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे गुड़ क्यों डाल रही हैं, लेकिन गुड़ पड़ता है कद्दू में। खट्टा मीठा जब बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं चलता है। और गुड़ तो ये गर्म इतना है, इसमें ऐसे अभी पिघल जाएगा। और इसमें ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कद्दू खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग है।
मेन होता है इसका, इसमें भुनाई, जितना अच्छा आप भुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा खाने में। देखिए अब ये भुन चुका है और इसमें अब हम धनिया पत्ते से गार्निश कर देते हैं और इनको मिक्स कर देंगे इसमें। अब चलिए इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सब्जी हमारी बन चुकी है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कद्दू बना है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।